अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने अखनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये आप बनाने में बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ 1 किलो गोश्त लिया है, 200 ग्राम दही लिया है, 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे। इसके बाद हम हरी मिर्च लेंगे। मैंने यहाँ 15 से 20 हरी मिर्च ली है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं तीखा। इसके बाद हम पालक के 4 से 5 पत्ते लिए हैं मैंने। इसके बाद 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है, 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 प्याज को रफली चॉप किया हुआ है, इसके बाद 1 टमाटर को रफली चॉप किया है। इसके बाद हम 2 तेज़पत्ते लेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला लेंगे, इसके बाद 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, इसके बाद धनिया पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार और हल्दी 1/2 चम्मच लेंगे। इसके बाद हम ब्लेंडर जार में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, पालक और हरा धनिया मिक्स पीस लेंगे, बारीक पेस्ट बना लेंगे, फाइन पेस्ट। अब हम इसे गोश्त में ऐड करेंगे। पेस्ट बनाते वक्त पानी मत डालिए। इसके बाद हम सभी स्पाइसेस को ऐड करेंगे, दही ऐड करेंगे, इसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है, बट इसका स्वाद बहुत बढ़िया होता है, एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके बाद हम कुकर लेंगे, इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल थोड़ा गर्म होने के बाद अब हम इसमें 2 तेज़पत्ते ऐड करेंगे और इसमें हमारा मिक्स किया हुआ गोश्त डालेंगे। देखिए कितनी इजी प्रोसेस है, जब ये बनता है ना तो देखिए इसका टेस्ट इतना बढ़िया होता है, सबको पसंद आ जाएगा, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छे से मिक्स करके इसमें बहुत ही कम पानी ऐड करेंगे, 1/2 कप से भी कम पानी ऐड करेंगे। अब इसे कवर अप करके हाई फ्लेम पर 3 से 4 वेसल लेंगे और मीडियम फ्लेम पर 2 लेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो देखिए बनकर रेडी है हमारी अखनी। आप इसे ड्राई चाहिए तो थोड़ा पका सकते हैं, ग्रेवी अगर आपको ड्राई चाहिए तो देखिए रेडी है। इसे आप एक बार ट्राई कीजिए और कैसी बनी है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।